शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सीकर के माजीपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने पूजा पाठ या नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ने वाले टीचरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मंत्री ने धार्मिक मामलों को लेकर बार बार स्कूल से गैर हाजिर रहने पर बर्खास्त करने की चेतावनी दी। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आदेश की सख्ती से पालन करने का भी उन्होंने आदेश दिया। उधर उन्होंने स्कूल में शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा का पूजा अर्चना कर मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के बाद शिक्षा मंत्री ने सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह के दौरान स्कूली छात्रों की ओर से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पेश किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री ने सूर्य नमस्कार की बारीकियों के बारे में छात्रों को जानकारी दी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा के मंदिर को शमशार करने वाले टीचर्स की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी बात कही। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से बच्चों को बेहतर संस्कार देने की अपील की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा और सरकारी भर्तियों के पेपर ही बिकवा देते थे ऐसा कहा। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल टीचर भामाशाह अनीता चौधरी को प्रणाम किया। मंत्री ने टीचर अनीता चौधरी को विद्या की देवी बताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के लिए आज तक का सारा वेतन समर्पित कर दिया है, इसीलिए वे जीती जागती शिक्षा की देवी हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में सरस्वती माँ की मूर्ति लगाने के आदेश का विरोध करने वाले विरोधी पार्टियों के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। मैंने देखा है कि बहुत सारे शिक्षक विद्यालय के समय में कोई बालाजी की पूजा करने चला जाता है, कोई भैरव जी की पूजा करने चला जाता है, कोई नमाज पढ़ने चला जाता है। तीन तीन चार चार घंटे विद्यालय के बर्बाद कर देते, समय को जाया करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं। हमने निर्देश दे दिए हैं कोई भी अध्यापक अपनी पूजा पाठ के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय नहीं छोड़ेगा, और विद्यालय छोड़ेगा तो उसको एसेट मार दिया जाएगा। वो लगातार इस प्रकार का करेगा तो निलंबित किया जाएगा, और फिर भी नहीं मानेगा तो बर्खास्त की कार्रवाई हो सकती है। इसे ध्यान रखें।